This is Abhinav Chaubey from Grace Mission School. First of all, I am your maths teacher and you all have to buy this maths book. ये maths book आप सबको खरीदनी है NCERT की. In fact, सभी के पास होगी. कुछ दुकानों में आपके आसपास मिल सकती है. इसका first chapter है, as you all know, integer. Integer के बारे में थोड़ा सा basic knowledge हम देखते हैं. मैंने blackboard पे कुछ लिख रखा है. So इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर? आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ. एनी नंबर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज कॉल्ड एज इंटीजर. कोई भी नंबर जिसके पास प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो वो इंटीजर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नॉर्मल नंबर 1 ले रखा है, 1 के पास नॉर्मली हम 1 ऐसा लिखते हैं. अब 1 के आगे कोई साइन है ना कोई पीछे साइन है. आपको हमेशा याद रखना है, जब किसी नंबर के पास कोई भी साइन नहीं होगा तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है. पॉजिटिव मीन्स प्लस. सेम कंडीशन अगर मैंने माइनस 2 लिखा हुआ, माइनस 2 ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव साइन है. आप सबको पता होगा कि प्लस 2 हम पॉजिटिव बोलते हैं और माइनस 2 हम नेगेटिव बोलते हैं. देन पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, किसी भी नंबर्स के पास प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो वो नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया इंटीजर्स के बारे में. देन इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन के बारे में सीखते हैं. आप सबको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन. अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये सीखते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव मैंने लिख रखा है, प्लस का मल्टीप्लाई मैंने प्लस से किया तो हमको आंसर मिलेगा प्लस. इट मीन्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव. सेकंड, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव मीन्स माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा. थर्ड, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6, फोर नंबर्स हैं. अब सभी के पास अपने
तो 4 को 3 में से माइनस कर दो, मुझे मिला कितना 1। क्यों माइनस किया? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मुझे मिला 1। मैं इन दोनों नंबर को देखता हूं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा नंबर 4 है। 4 के प्लस का आएगा साइन ही प्लस का, तो इसका इन दोनों का सॉल्यूशन प्लस बनाता है। बाकी नेक्स्ट से जैसा है वैसे ही लिखना है, माइनस 7 प्लस 6, सेम कंडीशन जैसे यहां पे फॉलो की थी, यहां भी वही कंडीशन स्टार्ट करना है। अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 7 को 1 में से माइनस कर, कितना बचा 6। देन बड़ा नंबर 7 है तो 7 का साइन आ जाएगा, बचा प्लस 6। अब सबको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 6 माइनस किया 0। अब 0 एक चीज और याद रखना है, 0 एक स्पेशलाइज्ड नंबर है, इसमें कोई भी इंटीजर या कोई भी साइन वर्क नहीं करता है। जब भी कभी 0 है तो ना तो एक प्लस में होगा ना माइनस में होगा। तो एक क्वेश्चन इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ फाइल